हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफरीद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू ए एस अकेडमी। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने बताया था द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको करना है। सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोल रखी हैं, वो बोल रखा है आई लेंस एक कंपोज करता है फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल। तो जो आई लेंस है, आई लेंस ये हो गया, ठीक है, आई लेंस ऐसे। तो क्या करेंगे इसके अंदर, आप सिंपल याद रखिए, तो ये लेंस है, ठीक है, तो ये सिंपल से आप याद रखिए इसके अंदर कि किस तरीके से आपको आई लेंस जो है वो कंपोज करती है फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलरी मसल। अब क्या करते हैं कि लेंस जो भी होता है आपका, जो आईज है, ठीक है, ये आपकी आईज है, आईज है ये, तो आई के अंदर जो ये आपकी आईज है उसके अंदर ये सीलरी मसल्स का काम, ठीक है, सीलरी मसल्स ये हो गई आपकी आई। ठीक है, तो ये आई लेंस क्या होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि आई लेंस एक फाइब्रस होती है, ठीक है, और जेली लाइक मटेरियल होता है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि आई लेंस की बात करी है। अब हमने बात करी है कि उसके कर्वेचर के बारे में, तो कर्वेचर जो है वो चेंज हो सकता है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल। तो ये क्या है, आई जो है आपकी आई, वो कर्वेचर जो है वो मॉडिफाइड हो सकता है कुछ हद तक, किसके द्वारा, सीलरी मसल की हेल्प के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका कि द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस के अंदर चेंज होकर लें। तो अब हम इधर देखते हैं, सेम इस थ्योरी पे नहीं जाकर, हम चेंज अगर होगा किसके अंदर, कर्वेचर के अंदर, चेंज होगा अगर कर्वेचर के अंदर, तो मान के चलो कि चेंज हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, अगर कर्वेचर के अंदर अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा फोकल लेंथ पर भी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ व्हेन द मसल्स। अब एक और चीज़ ये हो गई इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कर्वेचर चेंज होगा वैसे ही फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। अब एक चीज़ और, वेट, एक चीज और हम देख सकते हैं इसके अंदर, यहां बताता हूं, यहां देखिए, ठीक है, हाँ यहां देखो, यहां पर साफ शब्दों में लिखा है क्या, इस शॉर्ट में लिखा है सीलरी मसल, ठीक है, अगर क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, सीलरी मसल अगर रिलैक्स करेगी तो साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है लेंस क्या करेगा, लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, थिन, थिन मतलब पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, और ये केस किस चीज़ का बनता है, ये केस आपका बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बहुत दूर, डिस्टिंक्टली। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये बताई कि जब कर्वेचर क्या है, चेंज होगा कर्वेचर, यानी कि फोकल लेंथ भी क्या हो गई, चेंज, ये इसको दिमाग में याद कर ले, नोट है ये। दूसरा नोट जो है वो आपका ये आप याद रखेंगे कि सीलरी मसल जब रिलैक्स करती है तो लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ती है, और ये किस केस में होता है, जब हम, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, किस से, आई से, ये पहला केस हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, नोट तीसरा, जो याद रखने वाली तीसरी जो चीज है वो क्या है, तीसरी चीज जो है वो है सेम, जब सीलरी मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तो लेंस क्या हो जाएगा, हाँ लेंस थिक हो जाएगा, अपोजिट चल रहा है ना, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और ये कौन सा केस होता है,
ये केस आपका आएगा जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब ऑब्जेक्ट जो है वो आई के बहुत पास है। तो अब हम इसके अंदर बहुत ध्यान से एक एक चीज इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। इसको 2 मिनट, ठीक है, अब इसको देखते हैं एक एक चीज बहुत ध्यान से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने छोड़ा था कि चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, चेंज इट फोकल लेंथ व्हेन द मसल रिलैक्स। अब देखो यहाँ से देखते जाना क्या होगा, जब जब मसल रिलैक्स करेगी, सिर्फ टिक टिक करते रहने, रिलैक्स करेगी तो लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो कंडीशन बताई, और ये किस में होता है, ये हेल्प करता है हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में। दूसरा केस क्या है, जब हम क्लोजर देख रहे हैं तो क्या होगा, सीलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, कर्वेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और कर्वेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, लेंस थिकर हो जाएगा, और जिसके वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन, डिस्टिंक्टली वाली भी और आपकी क्लोजर वाली भी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हम डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट देख सकते हैं और कब क्लोजर देख सकते हैं, इसको दिमाग में रख लें। ये दोनों ही नोट लिखवा चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं, द एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब। हाँ, तो ये जो है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। स्पेलिंग का कोई एरर हो तो आप तो कर ही सकते हो, बस एक ये है कि क्वेश्चन बताने के, ऐसे करके पेपर में आता है, 2 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा, डिपेंड करता है कि कंटेंट उसको कितना चाहिए एग्जामिनर को। तो आप क्या लिखेंगे, वो एबिलिटी यानी कि वो क्षमता आई लेंस की जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और हमने पढ़ा ना कि फोकल लेंथ कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। अब एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट रखने वाली, याद रखने वाली, जो लीस्ट विजन है, लीस्ट विजन मतलब बहुत ही कम, मतलब सबसे ज़्यादा कम हम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं पास में। अब बोलेंगे कि हम तो जो है, अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम जो है बहुत पास तक कभी देख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर तो बहुत होता है। तो इसमें बात बोल रखी है आपकी कंफर्टेबली, ठीक है। कंफर्टेबली का मतलब होता है आसानी से, ठीक है, विदाउट स्ट्रेन। विदाउट स्ट्रेन का मतलब विदाउट प्रेशर। अब प्रेशर डालकर अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और इसकी फिर पूछते हैं आपका डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब कहाँ तक हम दूर तक देख सकते हैं, पास तक तो 25 देख सकते हैं, लेकिन दूर तक हम देख सकते हैं इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को क्यों बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम स्टार्स को देख सकते हैं, स्टार्स तो क्या है, बहुत दूर है, अगर हम स्टार्स को देख सकते हैं तो भाई हम कुछ भी देख सकते हैं, कितनी भी दूरी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लीस्ट विजन पेपर में आएगा, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है, और डिस्टिंक्ट विजन जो है वो इन्फिनिटी तक है। कहाँ से कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर से ये जाती है आपकी इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी जो होता है उसका सिंबल ये है, ये तो मैथ्स में देखा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। इतना क्लियर हो गया, बाकी और कुछ इसमें लिखा नहीं है इसके अंदर, अभी बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें लिखा है मिनिमम डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का, जिससे हम ऑब्जेक्ट जो है वो देख लेते हैं विदाउट प्रेशर, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, ये बता दिया, ठीक है। और इसको हम नियर पॉइंट आई का भी बोलते हैं। नॉर्मल यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन जो है वो नियर पॉइंट है, वो है 25 सेंटीमीटर, और फार्देस्ट पॉइंट एक आई का है जिसे हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, उसको फार पॉइंट बोलते हैं आई का, और ये इन्फिनिटी होता है एक नॉर्मल आई के लिए। यू मे नोट हियर, अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट बिटवीन 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। अब एक होती है कैटरेक्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, कैटरेक्ट क्या होती है, कैटरेक्ट होती है आई लेंस, ये हो गई आपकी आई लेंस लगी हुई है, ठीक है, आई लेंस इसको मान ले, ये है आपकी आई लेंस। अब इस पे क्या हो गया है,
एक क्लाउडी अपीरेंस आ गया है, क्लाउडी, ठीक है, क्लाउडी या मिल्की बोल सकते हैं, धुंधलापन जिसे कहा जाता है आपका, धुंधला जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, तो इसीलिए जब क्रिस्टलाइन लेंस पर पीपल पर ओल्ड एज के अंदर ही ये केसेस ज्यादातर होते हैं जिसके अंदर मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैटरेक्ट, और कैटरेक्ट को अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। तो दोनों ही चीज़ें, मोतियाबिंद तो सुना भी होगा, इंग्लिश में नहीं सुना होगा, कैटरेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या बोला गया, एक और चीज इसके अंदर बोला गया, दिस कॉज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कंप्लीट विजन यानी कि पूरे में हो जाता है ये, ठीक है, कभी कभी पूरे में हो जाता है और कभी कभी क्या होता है, आधे में होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इसको पार्शियल, पार्शियल ये हो गया, ये वाली कंडीशन पार्शियल की हो गई, और अगर मैं कंप्लीट की बात करूँ तो कंप्लीट क्या हो जाएगा फिर, पूरा ही, अगर मैं इसके लेंस को, यानी कि दिखता ही नहीं है, क्या हो जाता है इसकी वजह से, लॉस ऑफ विजन। तो इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी, इसके द्वारा क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कहते हैं ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, इसका मतलब ये सर्जरी, सर्जरी होगी आपकी किसकी, कैटरेक्ट की। और कैटरेक्ट क्या है, एक डिसीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक चीज बता रहा हूँ, कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक है, आगे आते हैं। अब है डिफेक्ट, इसको भी ध्यान से एक नोट बना के लिखेगा, डिफेक्ट का मतलब आपका सबसे पहले मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया, और फिर प्रेसबायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, तीन कंडीशन, तीन डिफेक्ट हमें इसमें पढ़ने हैं, कि करेक्शन यानी कि विजन, देखने के अंदर तीन डिफेक्ट आते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। मेनली क्या है, मायोपिया जिसको हम दूसरे नाम से नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, फिर हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और प्रेसबायोपिया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ, आपको क्या लगाएंगे, लेंस लगाते हैं जो कि हम ऑर्डिनरी चश्मे के अंदर पहनते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब इसके अंदर तो अब आगे आते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक मायोपिया, मायोपिया की हम बात करते हैं, वेट वेट वेट, बहुत एरर आ रहा है इसके अंदर, प्रॉब्लम हो रही है ना, हाँ यहीं से देख लेते हैं। तो देखो मायोपिया फर्स्ट डिफेक्ट ये है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, एक दो और तीन, ये जो तीनों डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लें, अभी मैं बताऊंगा। वैसे तो मायोपिया जो है, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, मैंने ऊपर बता दिया, एक पर्सन जो मायोपिया से पीड़ित होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखता है, लेकिन क्या करता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, आपकी क्लोज जो है ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो डिस्टेंट है यानी कि दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाता, इसको देख लेता है आसानी से, इसको नहीं देख पाता, सिंपल सी बात, खत्म। अब ये ठीक कैसे होता है, इसका लेंस की बात करूँ तो ये ठीक होता है आपका कॉनकेव से, कॉनकेव लेंस अगर लगा दिया जाए इस व्यक्ति को तो इसके अंदर ये क्या होता है, ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन है कि ये किस किस कारणों से होता है, ये होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर होती है आई लेंस की, उसके वजह से यानी कि कर्वेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा है इसके अंदर इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और आई बॉल क्या हो जाती है, आई बॉल इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, समझ आ गया, इतनी चीज़।
मायोपिया के अंदर सिर्फ क्या पूछा जाएगा, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है आपका वो व्यक्ति जिसको मायोपिया होता है वो पास के ऑब्जेक्ट तो आसानी से देख लेता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। सिंपल सी बात, कौन सा लेंस लगा दें? कॉन्केव लेंस लगा दें व्यक्ति को तो वो आसानी से चीज़ों को देख लेता है। ठीक है, ये भी बात पता चल गई। किस वजह से होता है ये? इस वजह से डिफेक्ट आ जाता है क्योंकि एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस का बढ़ जाता है और इलोंगेशन आई बॉल की हो जाती है। अब इसमें साफ लिखा है दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम तो मैंने बता ही दिया, इसको कर ले। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। एंड दिस डायग्राम, जो ये डायग्राम है आपका, तीनों ही तीन जो डायग्राम ये दिखा रहे हैं, बच्चे बोलते हैं कि क्या एक बनाने से ठीक हो जाएगा? ये है आपका नॉर्मल आई का कि ठीक है आँख। अब क्या हुआ, ये सेकंड वाला जो इसमें डिफेक्ट आ गया और ये तीसरी वाली है इसमें लेंस लगाया जिसके वजह से डिफेक्ट जो है वो ठीक हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लें तो हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? फारसाइटेडनेस बोलते हैं। और इसके बाद बोला है कि एक जो आपकी पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट को देख लेता है, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देख लेता है, क्लोजर ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है आपका, किस वजह से होता है ये दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज, किसके वजह से? फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा क्या है, आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाती है। उसके अंदर अपोजिट था, उसमें बड़ी हो जाती थी, इसमें छोटी हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। और एक और बात, लेंस कौन सा, करेक्शन लेंस, करेक्टिव लेंस कौन सा लगा दें हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को? तो वो लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतना क्लियर? बहुत अच्छे से एक एक चीज़ देखिए, इसमें लिखा भी है आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, और जो ये कन्वर्जिंग लेंस है, देखो एक और चीज़ मैं बता दूं, देखो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्केव लेंस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि कन्वर्जिंग लेंस क्या आपका हाइपरमेट्रोपिया से ठीक होता है? तो भाई कन्वर्जिंग लेंस होता क्या ये भी तो पता हो, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और आपका आंसर हाइपरमेट्रोपिया का ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया पे कॉन्वेक्स लेंस ही लगता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, वो तो करेक्शन जब हम करवाएंगे इस वीडियो को आपका, तब आपको क्लियर हो ही जाएगा। लास्ट जो है आपकी आज की वो है प्रेस बायोपिया, द थर्ड डिफेक्ट। इसका कोई डायग्राम नहीं है, तो ये बेस्ट पार्ट है, सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया आई का है करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का सिर्फ डायग्राम है, ये बेस्ट पार्ट है, प्रेस बायोपिया का डायग्राम नहीं है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीजेज विद एजिंग, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट कैजुअली रिसीड अवे। इसको सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक चीज़ बताऊँ, देखो इसको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो वो जिसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और क्लोजर ऑब्जेक्ट दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, यानी कि दोनों ही क्या होते हैं, क्लियरली नहीं दिखते, नॉट क्लियर, दोनों ही क्लियरली नहीं दिखते, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंस। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, एक इसको हो गया, इट अराइजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, समटाइम्स ए पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमायोपिया, सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंस। अब क्या बोला है इसने, बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज। कौन कौन से लेंसेज अभी पढ़े हैं आपने, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ध्यान से एक एक चीज पढ़िए। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा नोट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, अ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन। यानी कि अपर पोर्शन जो होता है उसका, उस पर कॉन्केव लेंस लगा होता है। कभी कभी एक चश्मा जो होता है, जैसे ये है एक स्पेक्स, इसके अंदर ऊपर कुछ और होता है, नीचे कुछ और, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर लगाते हैं कॉन्केव लेंस, किस चीज़ को देखने के लिए, डिस्टिंक्टली। और नीचे जो लगाते हैं वो लगाते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसको क्या देखने के लिए, क्लोजर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो लोएस्ट पार्ट जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का होता है, जो कि फैसिलेट करता है नियर विजन को। दीज रेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट विद कॉन्टेक्ट लेंसेज, सो सर्जिकली इमर्जन। और कभी कभी क्या होता है, लोग स्पेक्स नहीं, ओल्ड एज में होता है ये एजिंग के साथ होता है, ओल्ड एज बोल सकते हैं इसको। तो उस केस में क्या होता है, डीज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट विद कॉन्टेक्ट लेंसेज, और कॉन्टेक्ट लेंसेज के द्वारा हो जाता है, या आपका सर्जिकल इन्वेंशन, यानी कि सर्जिकल, जिसको हम दूसरी भाषा में ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये आपको मैंने बताया है क्या क्या आज बता दिए, एक बार जल्दी से मैं समराइज करवा देता हूँ चीज़ों को, कि डिफेक्ट्स बता दिए, डिफेक्ट्स के अंदर तीनों ही आपको बताए हैं, कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? और फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक इस वीडियो के अंदर क्लियर किया गया। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया है इसका, ठीक है, उसको, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। क्या है चैनल का नाम, एएस एकेडमी, ठीक है, एएस एकेडमी, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, बेल आइकन ज़रूर करें और आप लाइक करें वीडियोज़ को। इसका पार्ट वन जो है उसके अंदर मैंने क्या बताया है, ह्यूमन आई को, ह्यूमन आई के फंक्शंस मोस्ट, उसको देखें, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ह्यूमन आई की, कभी नहीं भूलोगे। और डिफेक्ट बहुत अच्छे से बता दिया, और पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत अच्छे से बता दिया। तो बहुत ज़्यादा इसको क्या करिए, आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें।